शुरू कर लेते हैं कि लास्ट हम क्या कवर कर रहे थे, उसके बाद हम क्या करते हैं आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्वर डॉट जे एस के नाम से फाइल है। मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, मैं कहता हूँ फाइव रिएक्ट, उसके बाद सी डी सिक्स रिएक्ट वेक्टर सर्च और एन पी एम रन डेव। तो ये मैंने अपना सर्वर क्या कर दिया, रन कर दिया। उसके बाद मैं स्प्लिट करता हूँ इसको और सी डी वेब करके जाके एन पी एम स्टार्ट चला देता हूँ, ठीक है जी, ताकि मेरे पास क्या हो जाइए, प्रोजेक्ट रन हो के आ जाए। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ इस वक्त आ चुकी है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ टाइटल इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं और पब्लिश का बटन दबाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये वैसे नज़र नहीं आ रहा, जब मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो नज़र आएगा, जब भी नहीं आ रहा, ये क्या बकवास है यार। ओ यस, हमने सिर्फ क्रड ऑपरेशन में से सिर्फ सी जो था वो पाइन कॉन पे कर दिया था, बाकी तीनों का तीनों जो आइटम है वो हमारे पास मोंगो डीबी पे ही स्टिल था ना, तो इस वजह से ये वाला डेटा जो है वो मोंगो डीबी से एक्चुअली आ रहा है, बट यहाँ से जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये क्रिएट होता है जाके पाइन कॉन के ऊपर। ठीक है, और पाइन कॉन से ये डेटा मेरे पास दो इसमें एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, मुझे नहीं, ये एक्चुअली वो वाला आ ही नहीं रहा यहाँ पे। वेल, तो हम आ जाते हैं अपने सर्वर पे वापस, और हमारे सर्वर पे हमने कहाँ जाना है, हमने जो पोस्ट राउटर है उसके अंदर हमारा सारा का सारा काम हुआ है, तो इस पोस्ट राउटर के अंदर हम चले जाते हैं, जिसमें हमने ये पहला वाला जो है पोस्ट, ये हमने यहाँ पे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, टाइटल और टेक्स्ट के नाम से दो फील्ड मेरे पास आती है बॉडी में, जिसको मैं बाद में क्या करता हूँ, डेटाबेस में इंसर्ट करता हूँ। यार प्यारे दोस्तों, बातें नहीं करो यार, इधर मुतवज्जो हो जाओ, क्योंकि ये जो ये वाला टास्क आज मैं जो बनवा रहा हूँ ना, ये क्रड ऑपरेशन, जब तक आप सब लोग अपने हाथ से नहीं बनाएंगे फिर मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं पहले बता दूँ। अच्छा जी, हमने ओपन एआई एम्बेडिंग के ज़रिए उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया सबसे पहले, उस बॉडी में जो हमें डेटा मिलता है। अच्छा, कन्वर्ट करते हुए मैंने किस तरह से कन्वर्ट किया है, उसको ऑब्जेक्ट में पूरा पास नहीं किया, बल्कि मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग उसको बनाकर दिया है, जिसके अंदर पहले मैंने टाइटल को रखा है, दूसरे नंबर पे मैंने बॉडी को रखा है, तो ये एक्चुअली एक सिंगल पैराग्राफ की तरह से इसको मिल रहा होगा। अच्छा, इस टेक्स्ट को मैं सैनिटाइज भी करता हूँ एक्चुअली इसमें भेजने से पहले। ठीक है, सैनिटाइज का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो अनवांटेड लाइन ब्रेक्स वगैरह, इसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स जो वेक्टर के अंदर उसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं सैनिटाइज इसको नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सैनिटाइज अगर आपने करना हो तो उसके लिए लाइब्रेरीज कुछ मौजूद हैं, जैसे लो डैश करके एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक ना लो डैश डॉट सैनिटाइज करके एक फंक्शन मौजूद है, तो आप जस्ट वो फंक्शन चलाते हैं और उसके अंदर आप पास करते हैं तो ये सैनिटाइज आपको करके दे देता है। बल्कि यार कर लेते हैं ना सैनिटाइज इसको, क्या ख्याल है, सैनिटाइज। एक मिनट, सैनिटाइज शायद यही मैंने सर्च किया था तो आया होगा। हाँ, अच्छा ये पूरा इसको ओपन नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है, हम इसको इनकॉग्निटो में खोल के पूरा ओपन करवाएंगे। यार ये क्या बकवास है, ये पूरा क्यों नहीं रीड करने दे रहा मुझे, साइन इन करने कह रहा है। अच्छा अच्छा साइन इन तो मैं कर लूँगा, कोई मसला नहीं है उसका। अच्छा साइन इन यहाँ हुआ हुआ है तो यहाँ पे भी नहीं करने दे रहा। द नोटबुक आई यूज इन असेंडर कैन फाइंड ऑन गिट हब। ओहो, ये तो कुछ पाइथन वाइथन चल रहा है, पाइथन तो मुझे चाहिए भी नहीं यार, मुझे सैनिटाइज फंक्शन चाहिए लो डैश के अंदर जो होता है। लो डैश डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं।
अच्छा मुझे टेक्स्ट के फंक्शंस चाहिए ना, कलेक्शन ये आ गया मेरे पास, फंक्शंस आ गया मेरे पास, यार मिल रहा ही नहीं है, क्या बकवास है। हाँ ये स्ट्रिंग आ गया ना, अब स्ट्रिंग के अंदर मुझे वो मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं ये तो एस्केप का फंक्शन है यार, ऐसा तो नहीं है कोई इसका। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है मैंने इसमें ही देखा था, एस्केपिंग स्ट्रिंग दैट कैन बी इजीली यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। नो नॉट इन जावास्क्रिप्ट, सैनिटाइज टेक्स्ट फॉर वेक्टर डेटाबेस जावास्क्रिप्ट, ठीक है, नॉट दिस। वेल यार ये मिल रहा नहीं है मुझे अभी, पता नहीं मैंने लोड डैश में ही देखा था जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन सम हाउ जो है ना वो मिल रहा नहीं है अभी। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप लोड डैश वाला यूज़ करें, ठीक है, सैनिटाइजेशन के अंदर आप जाके ना जो वेक्टर का जो डॉक्यूमेंट है एम्बेडिंग, ओपन एआई एम्बेडिंग का जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये किस किस चीज़ को ना ये इसके काम की नहीं है, कौन कौन सी चीज़। जैसे लाइन ब्रेक्स इसके किसी काम की नहीं है, ठीक है, लाइन ब्रेक्स से ज़रा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता है ना, तो ये लाइन ब्रेक्स इसके किसी काम के नहीं है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इसके किसी काम के नहीं है, तो वो उन सब चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं ना। ये तो लिमिटेशन एंड रिस्क है ना। अच्छा ये इन्होंने एग्जांपल बनाई है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे भी इन्होंने कुछ सैनिटाइजेशन कुछ ना कुछ की होगी इसकी किसी ना किसी लेवल पे ना। ये एक्चुअली पाइथन का कोड इन्होंने लिखा हुआ एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ ना, वो वाला काम ही नहीं किया हुआ इन्होंने जावास्क्रिप्ट वाला किसी जगह पे। वेल जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारे काम इसमें होते हैं जो पाइथन के अंदर ये कर रहा है, तो यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि कहीं पे क्या इसने सैनिटाइज़ किया है, ठीक है, तो वो सैनिटाइज़ आप जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं यहाँ पे भी इसने कहीं सैनिटाइज नहीं किया हुआ। रिकमेंडेशन फॉर्म स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आता है इसके अंदर और मॉडल आता है। यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन ही नहीं किया हुआ। वेल चलो इसको हम बंद करते हैं। तो सैनिटाइज़र ना आप अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लगा के भी कर सकते हैं, ताकि वो अनवांटेड चीज़ है ना आपको वो कर दे। अच्छा मैं किसी जगह से लर्निंग कर रहा था, तो वहाँ पे ना उन्होंने वो पाइथन का एग्जांपल था वो भी, तो वहाँ पे ना उन्होंने पाइथन के अंदर अपना कोड लिखा हुआ था सैनिटाइजेशन के लिए ना, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रा उसको सर्च करूँगा उस कोड को ना, और मे बी मुझे याद दिलाइएगा नेक्स्ट क्लास में, आपको मैं सैनिटाइजेशन बता दूंगा कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं वो, या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम माइनस कर सकते हैं ना। अच्छा वेल तो ये हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद ये हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इंसर्ट का कोड जो है वो पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, अब की बार ये चेंज हो गया, और मोस्ट प्रॉब्ली वो बाकी चीज़ों का भी कोड इन्होंने थोड़ा थोड़ा चेंज किया होगा। अच्छा गेट करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद था, पहले पहले हम मोंगो डीबी से ऐसे गेट करते थे, इसको हम रोक देते हैं, और इसको रोक के अब हम क्या कर लेते हैं, ये वाला काम कर लेते हैं।
अच्छा मैं कोड कहाँ से कॉपी कर रहा था, मैंने जो एग्जांपल बनाई हुई गिटहब में वहाँ से कॉपी कर रहा था राइट। तो उस एग्जांपल को वापस खोल लेते हैं। अच्छा कोई बंदा यहाँ पे ऐसा है जिसने वो एग्जांपल देख के कंप्लीट क्रेड पूरा खुद से बना लिया हो? कोई भी नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली जो यहाँ से मैं कोड कॉपी करूँगा वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट हमने देखा था कि ये तकरीबन 1-1.5 महीने पुराना कोड है और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इस कोड में से ना। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है ना क्वेरी के लिए मैंने कोड जो लास्ट लिखा था ये वो कोड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरह चलेगा या नहीं चलेगा। वेल, चला कर देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो इसमें भी जो क्वेरी का मेरे पास टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर लिया है, किसमें, एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी मेरे पास क्वेरी का कोई टेक्स्ट नहीं है क्योंकि मैं गेट ऑल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक बना लिया है एम्प्टी स्ट्रिंग का जो है ना, मैंने एक वेक्टर तैयार कर लिया। अच्छा मैं ये भी कर सकता था, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग का जो वेक्टर है वो हर दफ़ा एक ही बनेगा, तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर एक दफ़ा बना लूँ और उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट करके वो लगा दूँ मैं, तो उससे मेरा क्या होता है, एपीआई कॉल एक बच जाती। ठीक है, लेकिन और एक्चुअल में करना आपने यही है, बट मैं अभी इसको इसी तरह कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं एम्प्टी स्ट्रिंग लगा के हर दफ़ा इसको एपीआई कॉल लगा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं क्योंकि कॉन्सोल करवाता हूँ, वेक्टर जब मेरे पास आता है तो उसको मैं कॉन्सोल करवाता हूँ। अच्छा तो इस कॉन्सोल में मुझे पता लग जाएगा। अच्छा एक डेटा यहाँ से कम कर दिया इन्होंने, तो चलो वो तो हमें पता है, उसको हम हाथ के हाथ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया हमारे, पाइन कोन डॉट इंडेक्स करके उसको इनिशियलाइज, पहले ये 2 लाइनों में होता था, अब शायद ये इसको भी 1 लाइन में कर दिया है इन्होंने। हम ज़रा पुराने वाले कोड से रेफरेंस लेते हैं। पी सी इंडेक्स डॉट अपसर्ट किया था ना हमने, तो अब एक्चुअली यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, पी सी इंडेक्स डॉट डॉट क्वेरी हो रहा होगा ना। ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हाँ यही है, सही है, क्वेरी है। अच्छा क्वेरी में इसको क्या चाहिए, क्वेरी में इसको वेक्टर चाहिए सबसे पहले, वेक्टर मैंने इसको दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर कौन सा वाला दिया हुआ, जो एम्प्टी स्ट्रिंग का वेक्टर मैंने अभी अभी क्रिएट किया है। अच्छा वो चाहिए इसको, और बाकी के सारे ऑप्शंस वही हैं। ठीक है, अच्छा आईडी भी मैं यहाँ पे इसको दे सकता हूँ, एक तो मैंने वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा मैं आईडी भी दे सकता हूँ। वेक्टर से क्या करेगा ये, कि जो मैंने वेक्टर दिया उससे नियरेस्ट सारे लेकर आएगा, अगर मैं आईडी दे दूंगा तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लाएगा जो उस आईडी से मैच हो रहा होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं आईडी इस वक्त नहीं दूंगा, मैं इस वक्त दे रहा हूँ वेक्टर, क्योंकि मुझे तमाम के तमाम गेट करना है। अच्छा मैं एक वक्त में आईडी या वेक्टर एक ही दे सकता हूँ, दोनों नहीं दे सकता, दोनों दूंगा मैं तो मुझे एरर दे देगा। अच्छा उसके बाद है टॉप के, टॉप के क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ़ रिजल्ट मुझे कितने चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि यार मुझे क्या चाहिए, 11,000 इसकी मैक्सिमम नंबर है ना, यानी एक वक्त में आप 11,000 मैक्सिमम वैल्यू इसमें से गेट कर सकते हैं इस क्वेरी में, तो मैंने 11,000 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया ना। अच्छा इंक्लूड वैल्यूज़, इंक्लूड वैल्यूज़ का मतलब है कि जो वेक्टर सेव किया था मैंने, क्या गेट करते हुए भी मुझे वो वेक्टर साथ में चाहिए, मैंने कहा ट्रू, और मेटा डाटा सेव करते हुए जो डॉक्यूमेंट में मेटा डाटा लगा था वो भी चाहिए, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सब चाहिए। ठीक है, नेम स्पेस मैंने साथ में मेंशन कर दिया कि यार इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो नेम स्पेस है वो है। नेम स्पेस किस चीज़ को कहते हैं पाइन कोन में, ये कलेक्शन के नाम को कहते हैं। ठीक है, रिसेंटली मुझे पता लगा कि नेम स्पेस इन्होंने फ्री में बिल्कुल ही बंद कर दिया है, और मेरे पास भी लास्ट जो मैंने कोड लिखा था उसमें लगाया था मैंने, ये नहीं लगाया था, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने मेरे पास भी एरर देना शुरू कर दिया था। ठीक है जी, इंसर्ट करते हुए मैंने नहीं लगाया, पी सी इंडेक्स करके मैं देखता हूँ जो ऊपर मैंने इंडेक्स बनाया था उसमें क्या है। ठीक है, इसमें जस्ट इंडेक्स का नेम है, इसमें वो वाला नहीं लगाया हुआ। वेल, तो हम इसको गेट करके देखते हैं, अगर तो ठीक चला तो एरर, ठीक चला तो आ जाएगा वो, अगर ठीक नहीं चला तो इस नेम स्पेस को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ पेड वर्जन में इन्होंने अवेलेबल किया हुआ है फॉर सम अननोन रीज़न, पता नहीं क्यों। रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मुझे क्या भेजना है, मुझे बिल्कुल उसी तरह का डॉक्यूमेंट भेजना है जैसा मैं पहले ये इस मोंगो डीबी वाले से भेजा करता था। ठीक है, तो इस अच्छा इसको भी मुझे ट्राई कैच में लिखना है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पर ये ट्राई लगा देता हूँ। ठीक है, और ये नीचे कैच वाला जो पार्ट है वो नीचे ले जाके लगा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, तो मुझे ये ट्राई कैच में लाजमी लिखना चाहिए इसको। ठीक है,
ठीक है जी। मैंने कहा भाई एरर गेटिंग डेटा, अगर इस तरह का एरर आ जाता है। अच्छा, और मैं क्या करता था कि जी जो रिज़ल्ट आता था ना मेरे पास MongoDB से, तो वो मैं डायरेक्ट सेंड करता था। तो मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट सेंड करूँगा, लेकिन शायद थोड़ा सा मुझे उसको टेलर करना पड़े, क्योंकि MongoDB से तो डायरेक्ट एरे आ जाता था ना, इसमें डायरेक्ट एरे नहीं आता आई थिंक। इसमें मुझे मिलता है रिस्पॉन्स, क्वेरी रिस्पॉन्स डॉट मैचेस, हाँ ये मिलता है मुझे। तो मैं इस मैचेस को पूरे को एज इट इज़ भेजना चाहूँगा यहाँ से, ठीक है, ताकि ये एरे की सूरत में मुझे एटलीस्ट मिल जाए। और हम देखते हैं फ्रंट एंड पे जाने के बाद, अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो फिर हम यहाँ से मज़ीद इसको टेलर करके भेजेंगे, ताकि हमारी API स्टेटिक रहे ना। ठीक है, हमने API पहले बनाई थी, उसके इनपुट्स हमने मैच किए, अभी हमने आउटपुट्स भी मैच करना है। और इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब आके ज़रा ट्राई करते हैं इसमें रिफ़्रेश करके कि जी हमारे पास जो पाइन कोन वाला डेटा यहाँ पे आना शुरू होता है या नहीं होता। अच्छा जी, लोकल होस्ट 5 डबल, सर्वर मेरा क्रैश हो चुका है, सर्वर मेरा क्रैश हो चुका है, राइट। अच्छा जी, कनेक्टेड टू एटलस, कनेक्टेड टू एटलस, सही है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं और सर्वर मेरा क्रैश हो जाता है। क्या बोल के क्रैश होता है देख लेते हैं। ठीक है, ओपन एआई इज़ नॉट डिफाइंड बोल के क्रैश होता है। ओपन एआई का भी मैंने नाम शायद चेंज कर दिया था। ओपन एआई का नाम मैंने क्या रख दिया था, ओपन एआई क्लाइंट नाम रख दिया था मैंने, सही है, ओपन एआई क्लाइंट मैंने इसका नाम रख दिया था। मैंने एक दूसरी फाइल में इसको इनिशियलाइज़ करके ओपन एआई क्लाइंट इसका नाम रख दिया था। ठीक है जी, आ जाते हैं दोबारा, इसको हिट करते हैं। अब क्रैश हुआ दोबारा ही, अगेन किस नाम से हुआ है अब क्रैश ये। डॉट क्रिएट एम्बेडिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, डॉट क्रिएट एम्बेडिंग इज़ नॉट अ फंक्शन, डॉट एम्बेडिंग डिंग्स डॉट क्रिएट, सही है। ये भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि ये इस तरह मसला कर रहा है। अबे फिर क्रैश हो गया, अब क्या मसला हो गया, सब तो सही कर दिया मैंने। ओपन ए आई डॉट क्रिएट एम्बेडिंग, क्रिएट एम्बेडिंग अभी भी कहीं है क्या? ओ भी कर देता हूँ। ये तीसरी जगह पे कहाँ लगा हुआ यार? अच्छा ये दो ही है, तीन नहीं है। गेट ऑल पोस्ट के अंदर मैं वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पे जी मैंने इसको दोबारा से जो है सब कुछ ठीक करने के बाद अगेन इसको चलाने की कोशिश करता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। मेरा सर्वर फिर क्रैश हो गया, अब क्यों हुआ है भाई? मस्ट नॉट हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट एरर, द आर्ग्यूमेंट टू क्वेरी एक्सेप्ट मल्टीपल टाइप्स मस्ट बी अ रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी टॉप के ID, देयर वर ऑल्सो वैलिडेशन एरर्स, आर्ग्यूमेंट्स मस्ट नॉट हैव एडिशनल प्रॉपर्टीज मस्ट हैव रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज टॉप के। अच्छा इसमें जो है ना आई थिंक यही वाला नेम स्पेस इसको ना एडिशनल मिल जा रहा है। हाँ नेम स्पेस इसके अंदर आ नहीं रहा ना, इसके अंदर नेम स्पेस आ ही नहीं रहा है, तो नेम स्पेस इसको यहाँ नहीं चाहिए अब एक्चुअली। ठीक है, बाकी टॉप के वगैरह तो सब अलाउ कर रहा है ये। लेट्स ट्राई अगेन। अरे यार क्या हो गया अब इसको, अब क्या मसला पड़ गया? एडिशनल प्रॉपर्टी, एडिशनल प्रॉपर्टी, वही वाली बात की इसने दोबारा। द आर्ग्यूमेंट टू क्वेरी एक्सेप्ट मल्टीपल टाइप्स ओ एक्चुअली क्या है ना कि मैं इसको पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के भेजता था, लेकिन अब की बार इसको ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, अब तो इसको डायरेक्ट प्लेन ऑब्जेक्ट चाहिए, सही है। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भेज रहा होता था, दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड वे ना। तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं, अगेन रन करते हैं।
क्या मसला कर दिया, अब तो सही है सब कुछ। अच्छा 11,000 इज़ इनवैलिड। अच्छा अब इसको 10,000 कर दिया इन्होंने, ठीक है। मुतवातिर चेंजेस ये करते जा रहे हैं, 11,000 से इसको इन्होंने 10,000 कर दिया, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त चल गया आपका डेटाबेस इस एटीट्यूड के साथ। फाइनली हमारे पास डेटा आ चुका है, लेकिन डेटा जो है वो जिस फॉर्मेट में आया है तो वो यहाँ पे मुझे ना मेरे पास वो नहीं हो पा रहा उसका। अच्छा मेरे पास मेटा डेटा शो नहीं हुआ है इसके अंदर, सिर्फ मेरे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। मैंने इंक्लूड मेटा डेटा किया हुआ तो है ट्रू, इंक्लूड मेटा डेटा ट्रू। इंसर्ट करते हुए क्या मैंने मेटा डेटा सही तरह से इसमें लगाया है? ओके मेटा डेटा को मैंने यहाँ पे कॉन्सोल सम हाउ इसको मैंने क्लोज किया हुआ था, यहाँ सही है सम हाउ इसको मैंने क्लोज किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास आई थिंक उसमें भी इंसर्शन में भी एरर वगैरह दे रहा था ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ज़रा इंसर्ट करके देखते हैं एक डेटा कि जी हमें वो क्या करता है, एरर तो नहीं देता इंसर्ट करने में, क्योंकि हमारे पास कोई एरर था मुझे याद पड़ रहा है जिसकी वजह से उसको मैंने थोड़ी देर के लिए रोका था, और वो इसी वजह से अनडिफाइंड दोबारा से ब्रेक हो गया हमारे पास ये। अच्छा अभी वो इंसर्ट में ही अगेन एरर दिया होगा इसने, एरर इंसर्टिंग MongoDB पाइनकोन एरर रिक्वेस्ट फेल्ड टू रीच पाइनकोन वेरीफाई यू हैव करेक्ट एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट ID एंड इंडेक्स नेम कॉन्फ़िगर्ड। अच्छा अगर मैं इस क्रिएटेड ऑन को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, क्रिएटेड ऑन को मैं ना हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मेरे पास जैसे ही मेटा डाटा को मैंने रोका था तो वो सही चल पड़ा था। अच्छा इसके अंदर ना पाइनकोन के अंदर ये भी एक इशू है बाय द वे, कि अगर मेरा सर्वर फ़ौरन मैं रीस्टार्ट करता हूँ ना तो कभी कभी वो काम नहीं करता, एक ये भी इसके अंदर इशू है। MongoDB में इस मसले का हल उन्होंने इस तरह से किया हुआ है पोस्ट क्रिएटेड, सही है, अब ये एरर नहीं आता है। अगर मैं वापस इस क्रिएटेड ऑन को लगाता हूँ इसमें, ठीक है, और सेव करता हूँ इसको, तो सेव करने के बाद ना मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी एरर आया था ना वो मोस्ट प्रॉब्ली इस क्रिएटेड ऑन का नहीं था, वो मोस्ट प्रॉब्ली इस क्रिएटेड ऑन का नहीं था वो। ये पाइनकोन में एक इशू है कि अगर मैंने जैसे ही सर्वर को सेव किया ना और मैं वैसे ही रिक्वेस्ट मारूंगा तो वो फेल हो जाती है, थोड़ी देर में जाके वो होता है। अच्छा MongoDB वाले इस मसले का हल क्या लगा, क्योंकि जाहिर है भाई डेटाबेस कनेक्ट होने में टाइम लगता है ना, तो MongoDB में तो लिखा हुआ जाता है जी डेटाबेस कनेक्टेड, और अगर उस कनेक्ट होने से पहले भी अगर मैं उसको रिक्वेस्ट मारता हूँ तो मुझे वो ये नहीं बोलता कि भाई नॉट कनेक्टेड और एरर, वो उसको होल्ड करके रखता है। अगर MongoDB के कनेक्शन में अगर 15-20 सेकंड भी लग रहे हैं ना और मैंने बीच में API मार दी कॉल, तो उसको 15 सेकंड तक वो रोक के रखेगा वहाँ, जब डेटाबेस कनेक्ट होगा तो फिर वो क्वेरी को एग्जीक्यूट मारेगा और फिर मुझे जवाब देगा। तो ये इन्होंने अभी तक शायद इस चीज़ को हैंडल नहीं किया ना अपने एंड पे, ठीक है। लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा देखा क्रिएट हो गया, असल में वो इसका एरर था ही नहीं, वो असल में वो क्या एरर था कि वो जैसे ही मैंने सेव किया था वैसे ही मैंने उसको हिट मार दिया था, और मे भी शायद लास्ट क्लास में भी वो इसी वजह से हो रहा हो, मे भी। अच्छा अब मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, अब एटलीस्ट एक रिकॉर्ड ऐसा आना चाहिए मेरे पास जिसके अंदर वैल्यू मौजूद है, ठीक है, और वो है मेरे पास सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो डॉट मेटा डाटा करके मुझे इसके अंदर मिल रहा है ना। अच्छा मुझे अब अगर बैकएंड से ये डॉट मेटा डाटा का सिर्फ एरे भेजना है तो मैं कैसे भेजूँगा, उसके ऊपर मैं मैप चला दूँगा, ठीक है। मैं तो डायरेक्ट डॉट मेटा डाटा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना यहाँ पर, जो मैं डायरेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें मेरा वो कहाँ गया, फ्रंट एंड वेब के अंदर गया मैं, और मैं SRC में गया, और मैं app.js में नहीं, कंपोनेंट के मैं होम पे सारा काम कर रहा हूँ। अब इस होम के अंदर जो मैंने रेंडरिंग करवाई हुई है इसकी, अगर उसमें मैं जाता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है ना ऑल पोस्ट आएगी, और पोस्ट के ऊपर मुझे डायरेक्ट टाइटल मिलेगा और डायरेक्ट टेक्स्ट मिलेगा, इस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो और _ID भी मुझे एक मिलेगी, ठीक है। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है कि मुझे _ID मिलेगी, हालांकि मुझे ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही हैं उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास अपसर्ट का जो आया है ना, सॉरी ये जो मुझे गेट करने पे सारा का सारा डेटा मिला है, डॉट मैचेस जो मुझे मिले हैं ये, ठीक है, मैं इस मैचेस को मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैप चलाऊँगा मैं डॉट मैप, और मैं बोलूँगा कि जी ईच मैच के अंदर से मुझे क्या निकाल के दो आप, ईच मैच के अंदर से ना आप मुझे जो है ना रिटर्न करा दो
आप मुझे रिटर्न करा दो टेक्स्ट सबसे पहले, और टेक्स्ट क्या होगा, ईच मैच डॉट मेटा डाटा डॉट टेक्स्ट, ये होगा ठीक है। और क्या करवा दो आप मुझे, टाइटल रिटर्न करवा दो, टाइटल ही था ना यहाँ पे, फ्रंट एंड पे कहाँ गया फ्रंट एंड, ठीक है टाइटल था और अंडर स्कोर आई डी भी एक मेरे पास है अभी, ठीक है। और साथ में मुझे क्या चाहिए, अंडर स्कोर आई डी चाहिए, जो कि मुझे सिर्फ डॉट आई डी करके मिलता है ना, यहाँ सिर्फ मुझे डॉट आई डी मिलता है ना, देख लेता हूँ मैं कैसे मिलता है मुझे। अच्छा वो मेटा डाटा नहीं, डायरेक्ट डॉट आई डी है, मेटा डाटा भी नहीं है। तो मैंने ये अपना जो आउटपुट का इंटरफेस था ना, ये मैंने मैच कर लिया उसके साथ, ठीक है। अब मुझे जो यहाँ से क्वेरी रिस्पॉन्स करके जो मुझे मिलेगा, ठीक है, आउटपुट इंटरफेस मैंने इसका नाम रख दिया। इंटरफेस वैसे इसको नहीं कहते, इंटरफेस तो असल में किसी और चीज़ को कहते हैं, ठीक है। इंटरफेस इटसेल्फ जो है वो प्लान होता है एक्चुअली। हाँ इसका नाम मैंने गलत रखा है, इसका नाम मुझे रखना चाहिए फॉर्मेटेड आउटपुट, उसको वो कर लो ना, उसको तुम वो कर लो ना, चल ऊपर चढ़ के उसका फोकस सही कर लो, पहले इसका कर लो, वहाँ का सही है नहीं, इसकी लुमिनेशन वैसे ही थोड़ी कम हो जाती है थोड़े दिनों पे ना, लुमिनेशन कम हो जाती है इसकी। अच्छा जी, तो मैंने इसको ना फॉर्मेट कर लिया, एक छोटा सा मैंने मैप चला दिया जिससे क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा ये क्या हुआ, ये एक्चुअली ये हुआ है कि मेरे पास जो है ना कुछ, मैंने जो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैप में लगाई है ना कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उसमें जो है ना मुझे वो कुछ एक दो चीज़ अनडिफाइन मिल गई है। तो यहाँ पे मैं नलिश ऑपरेटर लगा देता हूँ ताकि मुझे वो चीज़ें अनडिफाइन ना मिलें। सही है, मैंने वहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगा दिया ताकि मेरा मैप चलते हुए ना कोड ब्रेक ना हो। तो मेरे पास ये दो आइटम ऐसे हैं जिसके अंदर मुझे ये टेक्स्ट मिल रहा है। अच्छा बाकी के आइटम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन डिलीट का भी अभी तक मेरे पास API बनी हुई नहीं है। तो गेट वाला काम तो मेरा ये हो गया है, अब ज़रा एडिट और डिलीट का भी इंटरफेस हम मैच कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो मैं डिलीट का बटन दबाऊँगा तो API हिट होगी, लेकिन बैकएंड से रिस्पॉन्स जो है मेरे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। कुछ भी इसलिए नहीं आएगा कि डिलीट की API मेरे पास क्या है, बैकएंड पे रेडी नहीं है, ठीक है जी। ये पुट हो गया, ये डिलीट हो गया। डिलीट में मुझे क्या चाहिए, /post/post की ID, सही। तो यहाँ से API हिट हुई भी है, तो यहाँ पे एरर क्यों आया इसमें। वेल यहाँ पे पता नहीं क्यों एरर आया, जब मैं यहाँ से डिलीट की API हिट करता हूँ तो एरर क्यों आ जाता है। नहीं एरर तो नहीं आना चाहिए ना, मेरा ये पॉइंट है कि एरर तो नहीं आना चाहिए ना, अगर मैं डिलीट यहाँ से हिट करता हूँ तो ये 403 डायरेक्ट क्यों आ जाता है। ओके गॉट इट, वो इसलिए आ जाता है कि मैंने पहले नंबर पे वैलिडेशन लगाई हुई है कि ये MongoDB की वैलिड ऑब्जेक्ट ID होनी चाहिए, तो ये वैलिड ऑब्जेक्ट ID नहीं है तो यहीं से उसको वापस भेज रहा है वो, ठीक है। इसके ऊपर मैं अगर लगाऊंगा ना कमेंट तो फिर ये चलेगा आगे। वेल तो मुझे क्या करना है, इस डिलीट को मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रोक देना है, और मैंने यहाँ पे आके जो हमारा पाइन कोन का डिलीट है ना वो लगा देना है। पाइन कोन का डिलीट आके देख लेते हैं जी कहाँ पर है। अच्छा ये है डिलीट, डिलीट का सारा कोड मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और डिलीट का कोड कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब डिलीट क्या होगा, डिलीट भी वो नए वाले तरीके से हो रहा होगा जिसमें मैं क्या करूँगा, PC इंडेक्स करके और डॉट इसके ऊपर जो है ना, सही है, डिलीट वन करके अब इन्होंने एक दिया हुआ है यहाँ पे। डिलीट वन के अंदर क्या चाहिए, इसको ऑप्शंस चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे डिलीट ऑल को ट्रू किया हुआ है तो मैं डिलीट ऑल नहीं दूंगा, नेम स्पेस इन्होंने वैसे ही हटा दिया तो नहीं दूंगा। मैं देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मुझसे मांग रहा है, ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझसे ये ID मांगेगा यार। ऑप्शन में बता तो दे कि क्या दे ऑप्शन में बंदा, यार ये नहीं बता रहा, देखो
सजेशन दे ही नहीं रहा सीरियसली। अच्छा चलो फिलहाल मैं इसको डिलीट ऑल के साथ ज़रा हिट करके देखता हूँ कि मुझसे ये क्या कहता है फिर। ठीक है ठीक है, एक्चुअली मुझे तो यहाँ पे क्या करना है, इसको आईडी प्रोवाइड करनी है, और कौन सी वाली आईडी प्रोवाइड करनी है जो मैं यहाँ पे इसमें इंसर्ट करता हूँ ना, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, तो मुझे एक्चुअली ये वाली इसको चीज़ प्रोवाइड करनी है और आईडी करके ऐसे प्रोवाइड करनी है ना, ताकि ये सिर्फ उसी को डिलीट करे, किसी और को डिलीट ना करे। लेकिन अगर मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ एक दफ़ा और रिफ्रेश करके डिलीट हिट करता हूँ तो क्या होता है, ये एम्प्टी रिस्पॉन्स इसको मिल जाता है। वाई, अच्छा यहाँ पे कोड मेरा क्रैश हो गया। द आर्ग्यूमेंट टू डिलीट वन हैड अ टाइप एरर, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग। अच्छा आर्ग्यूमेंट में इसको स्ट्रिंग चाहिए। अच्छा और स्ट्रिंग में क्या चाहिए ये नहीं बताया उन्होंने। अच्छा ऑप्शंस में स्ट्रिंग चाहिए इसको, बट स्ट्रिंग में क्या चाहिए ये नहीं बताया। चलते हैं ज़रा यार पाइन कोन का ये डिलीट वन ना इनके डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं हम। डिलीट वन के अंदर वन परफॉर्म दो सेम नेम स्पेस दिस दिस दिस। अच्छा आईडी इसको इसके अंदर सीधा सीधा प्रोवाइड कर देनी है ना, इट मींस कि इसके अंदर आईडी इसको सीधी सीधी प्रोवाइड कर देनी है, तो ये ज़रा अच्छा हो गया। ठीक है जी, डिलीट वन में इसको पता है कि जी आईडी के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है तो जी डिलीट वन के अंदर डायरेक्ट इसको आईडी प्रोवाइड करेंगे तो ये मामलात सेट हो जाएंगे बिल्कुल इसके। तो देखते हैं जी अब क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं इसको, क्लियर करते हैं कॉन्सोल को और डिलीट का बटन हिट करते हैं, डिलीटेड। ठीक है जी डिलीटेड डिलीटेड। अच्छा जी मैंने गेट ऑल पोस्ट शायद कॉल किया हुआ है लेकिन वो बड़ी देर में कॉल हो रहा है, तो इसलिए वो बड़ी देर में मुझे दिख रहा है डिलीट होता हुआ। ठीक है जी, तो हमारे पास जो एम्प्टी एम्प्टी किस्म की पोस्ट थी उन तमाम की तमाम पोस्ट को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और यहाँ पे अब मैं सम न्यू पोस्ट करता हूँ और उसके अंदर कुछ बॉडी का टैक्स लगा देता हूँ और इसको पब्लिश करता हूँ मैं। ठीक है जी, पोस्ट क्रिएटेड और यहाँ पे नीचे की मेरे पास शो भी हो गया है। तो हमने इस वक्त क्या कुछ कर लिया है, दो काम कर लिए हमने, एक हमने कर लिया है पोस्ट, एक हमने कर लिया है डिलीट और गेट तो कर ही लिया है, तीन काम हो गया। लास्ट हमारे पास एडिट रह गया, जबकि हम क्या करते हैं एडिट करके इसको हम जब भेजते हैं तो उसको वो सेव कर दे, बस हमें इतना काम अभी करना है इसमें अब लास्ट। ठीक है इसको मैं हिट करता हूँ तो ये भी फॉरबिडन मार देता है क्योंकि इस पर भी मैंने आईडी की वैलिडेशन लगाई हुई है। अच्छा इसके अंदर जो अपडेट है ना और क्रिएट है उसका असल में कोड एक ही है। ठीक है जो पुट और पोस्ट का जो कोड है ना वो मोर लाइकली क्या है, तो ये पूरा का पूरा ट्राई जो है ना मेरा, जो पोस्ट वाला जो पूरा का पूरा ट्राई क्या चाहिए पूरा का पूरा मैं उठा लूँगा यहाँ से, और एडिट के अंदर मैं यही कोड एक्चुअली लगाऊंगा। ये MongoDB वाला पूरा मैं रोक देता हूँ। ठीक है MongoDB की ये वैलिडेशन पहले तो रोकता हूँ मैं, दूसरा मुझे ये तो चीज़ चाहिए कि जी एडिट में ये दोनों चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए, और ये जो मेरा MongoDB का कोड है ना इस कोड को मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है और इसको कमेंट डाउन करके ये जो पाइन कोन का पूरा ट्राई कैच है ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सेम उसी तरीके से मैं इसको क्या करूँगा एम्बेडिंग में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते वक्त मैं क्या करूँगा इसको, यार ये इनपुट इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आ रहा है। अच्छा ये मैंने एक्चुअली गलती से क्वेरी वाला कोड कॉपी कर लिया, पोस्ट वाला नहीं किया मैंने, मैंने करना था पोस्ट वाला। ठीक है ये तो गेट वाला मैंने कॉपी कर लिया ना, मुझे एक्चुअली क्या करना था पोस्ट वाला करना था कॉपी। ठीक है ये है पोस्ट का ट्राई, ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ तक कॉपी करना है इसको। ठीक है अच्छा जी ये मैंने कर लिया, इसमें से ये कमेंट हटा देता हूँ इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है शायद। ओपन AI से इसको कन्वर्ट किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल मुझे उसी तरह मिल रहा है, टेक्स्ट भी मुझे उसी तरह मिल रहा है।
ठीक है जी, उसको वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। अपसर्ट रिस्पांस में अब की बार मैं नैनो आईडी नहीं दूंगा यहाँ पे, बल्कि मैं क्या दूंगा, मैं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट क्या नाम था इसका, पोस्ट आईडी देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ पोस्ट आईडी है, यहाँ पे मैं दूंगा पोस्ट आईडी इसको। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ चला गया, ये रहा पोस्ट आईडी दूंगा, सही है। और बाकी का पूरा कोड क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और क्रिएटेड ऑन को मैं क्या करूँगा, क्रिएटेड ऑन को शायद मुझे पुराना वाला कर देना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि अगर मैं क्रिएटेड ऑन यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो क्या इन दोनों को अपडेट करेगा और क्रिएटेड ऑन को वैसे ही छोड़ देगा, या फिर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिप्लेस मारेगा, ये भी पता लग जाएगा, देखते हैं करके ये। क्योंकि मोंगो डीबी में तो ये होता है कि जो जो मैं फील्ड्स देता हूँ ना, सिर्फ उन्हीं को अपडेट करता है, जो मैं नहीं देता उसको छेड़ता भी नहीं है, उसको वैसे ही रहने देता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद इसमें भी बिहेवियर सेम होगा, या मे बी अगर इसमें बिहेवियर को इन्होंने चेंज किया और पूरा का पूरा रिप्लेस मारते हूँ तो ज़रा वो भी पता लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मेरे पास जो है ना रिस्पॉन्स इसका उसी तरह से है। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे और मेरे पास जो ये पोस्ट है एक ये वाली, इसको चेंज करके मैं कहता हूँ कि यार न्यू टाइटल और सेव का बटन दबाता हूँ। तो जी मेरे पास ये क्या हो गया, पोस्ट क्रिएटेड हो गई और टाइटल मेरा क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रड ऑपरेशन है पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको मैं कोड को पुश कर देता हूँ और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी कंपोनेंट के ऊपर एक सर्च का बार बनाना है और उस पर सर्च की एपीआई हमने बनानी है एक्सप्रेस पे, जो कि दोनों हमने अभी तक नहीं बनाई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक यहाँ पे सर्च का बार बनाना है जिस पे मैं कुछ लिख के सर्च करूँ तो सर्च करके मुझे वो रिजल्ट दे और मैं उसको डिस्प्ले कराऊँ, और उसके सर्च के रिजल्ट के लिए एक बैकएंड पे हमने एक एपीआई बनानी है। अच्छा, लेकिन उससे पहले जो है क्या कहते हैं, अभी तक आपने जो भी पाइनकोन में जो भी चीज़ें सीखी हैं वो ज़रा आपस में आप डिस्कस करें, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आपस में एक दूसरे को समझाएं, आप अपने पड़ोस वाले को कि आपने पाइनकोन में अभी तक क्या सीखा और मोंगो डीबी से वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, शुरू हो जाए।